जालौन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के नेतृत्व में 24 घंटे के अंदर लूट का किया खुलासा। जहां पेट्रोल पंप के मैनेजर से हुई लूट करने वाले आरोपी गिरफ्तार। गुरुवार को माधवगढ़ थाना क्षेत्र में गोपालापुर के पास दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मैनेजर से 19 लाख रुपए लूट जाने की दुस्साहसिक घटना का 24 घंटे अनुरण कर पुलिस ने इसमें लिपित 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से लूटे पूरी रकम बरामद कर ली गई है। इस सफलता पर पुलिस टीम के उत्साहवर्धन के लिए शासन ने 1 लाख रुपए का नगद इनाम और पुलिस महानिदेशक ने प्रशासित पत्र जारी कर दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए कल माधवगढ़ में जो पेट्रोल पंप की लूट हुई थी, 19 लाख की लूट हुई थी, उसको 19 घंटे के अंदर में खुलासा कर लिया गया है। इस घटना के सूचना पे लगभग 11 बजे के करीब में जब ये घटना हुई थी तो उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की जॉइंट टीम ने उसको चेज करना स्टार्ट किया था और ये वहीं पर गाँव में होना है, वहाँ पर बदमाशों ने अपनी फोर्ड फिएस्टा गाड़ी को छोड़ के भाग गए थे। साथ ही साथ जब सर्च और कॉम्बिंग अभियान चलाया गया और उस गाड़ी से जो भी लीड्स प्राप्त हुए उसमें इंदौर पुलिस और ग्वालियर पुलिस से भी कांटेक्ट किया गया और टीमें निकाली गई। इसमें एसओजी की टीम, सर्वलांस की टीम, थाना माधोगढ़ की टीम, रेंडर, नदीगांव, कैलिया, सीओ माधोगढ़ और सीओ कोच दोनों के नेतृत्व में लगाई गई, जिसका ओवरऑल सुपरविजन एडिशनल एसपी जालौन कर रहे थे। और इस तरह से काफ़ी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा यूपी पुलिस और एमपी पुलिस में और कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन 7 लोगों से लूट में जो कुल 19 लाख जो कैश गए थे वो 100% रिकवरी की गई है और साथ ही साथ गाड़ी में जो फोर्ड फिएस्टा यूज़ की गई थे वो गाड़ी रिकवर की गई है। दोनों मोटरसाइकिलें रिकवर की गई है जिसके माध्यम से भागे थे, उनके पास से अवैध असलहे बरामद किए गए हैं और इस तरह से कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इस घटना के त्वरित अनावरण से प्रसन्न होकर शासन ने 1 लाख रुपए का इनाम और डीजीपी महोदय ने प्रशंसा पत्र से पूरी टीम को नवाजा है और इस तरह से आगे की अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।